पुराणों मां लखेली कथा अनुसार एक वार माता पार्वती भगवान शंकर नी पासे बैठा हता। तेमने भगवान ने पूछ्यू के तमे अमर छो, ज्यारे मारे दरेक जन्म पछी कठिन तपस्या करवी पड़े छे, पछी तमे मने मळो छो, आवुं केम? पार्वती जीए भगवान ने तेमना गळा नी माळा अने साप विशे पण पूछ्यू। आना पर भगवाने कह्यू के ते तेमने अमर थवानी वार्ता कहे छे, परंतु एवी जग्याए ज्यां अन्य कोई प्राणी तेने सांभळी न शके। कारण के जो कोई पण प्राणी ए कथा सांभळे तो ते अमर थई जाय। आथी पार्वती जी पण तेमनी साथे एकांत स्थळे जवा माटे राजी थई गया। भगवान शिव पार्वती साथे अमरनाथ गुफा पहुंच्या। त्यां तेमने वार्ता शुरू करी। भगवान शिव कथा कही रह्या हता, ज्यारे माता पार्वती सांभळी रह्या हता। ते समये गुफा मां एक सफेद कबूतरोनी जोड़ी पण हाजर हती। थोड़ी वार सुधी पार्वती जी ए कथा ध्यानथी सांभळी, पण पछी तेओ सूई गया। बीजी बाजू बन्ने कबूतरो गड़गड़ाट करी रह्या हता, जेना कारणे भगवान ने लाग्यू के पार्वती जी वार्ता माटे सम्मत छे। कथानी समाप्ति पछी ज्यारे भगवान शिवे पार्वती जी ने जोया तो खबर पड़ी के ते सूई रह्यां छे। आ पछी तेमनी नजर कबूतरनी जोड़ी पर पड़ी, जेनाथी ते गुस्से थई गया। भगवान शिव तेमने मारवा माटे आगळ वध्या, जेना पर कबूतरोए भगवान ने कह्यू के ज्यारे माता पार्वती सूई रह्या हता त्यारे अमे आखी वार्ता सांभळी छे। जो तमे अमने मारशो तो आ वार्ता खोटी साबित थशे। आ पछी भगवान शिवे तेमने छोड़ी दीधा। पुराणों अनुसार भगवाने बन्ने ने वरदान आप्युं हतुं के ते बन्ने अमर थई जीवशे अने शिव पार्वतीना प्रतीक तरीके आ गुफामां निवास करशे। कहेवाय छे के त्यारथी ते बन्ने कबूतरो ते गुफामां रहे छे। थोड़ा वर्षो पहेला गुफानी अंदर बनेला शिवलिंग पर बे कबूतर पण बैठेला जोवा मळ्या हता। दर वर्षे अमरनाथ यात्रा शुरू थतानी साथे ज कबूतरोना वीडियो सोशियल मीडिया पर खूब वायरल थई जाय छे। कहेवाय छे के आ कबूतरोने जोवुं खूब ज शुभ होय छे। जो के आज सुधी कोई ए कही शक्युं नथी के आ कबूतरो ए ज अमर कबूतर छे के अन्य कबूतरोनुं आ जोडुं अमर थई गयुं अने गुफा अमरकथानी साक्षी बनी होय तेनुं नाम पड्युं अमरनाथ।